different types of poetry. We will start from classical poetry, then romantic poetry, and finally modern poetry. Then we will try to seek the differences among these types of poetry. As the student of literature, we all know that literature is marked by three distinct genres. The first genre of literature is drama. The second most important genre of literature is poetry. And the third genre of literature is prose. But when we divide it in the terms of style, then we have only prose and poetry as two types of drama. Oh, sorry, two types of literature. Drama in the beginning was considered as a part of poetry, but the modern drama differs in it. So drama established itself as a distinct genre, as a separate genre. Literature की शुरुआत में असां वटि poetry ऐं prose important genres रहियूं आहिनि, ऐं उन विच में असां वटि drama आयो. Traditionally drama खे बि पुराणे ज़माने में poetry जो क़िस्म सम्झो वेंदो हुयो, पर पोइ जेको modern drama आयो, that modern drama established itself as a distinct genre, different genre जे तौर ते हुन पंहिंजी हिकिड़ी मञता हासिलु कई. एंड इनशाला वी विल बी पीपिंग इन टू ऑल दीस थिंग्स ग्रेजुअली when we will be discussing these things in the class. ठीकु आहे, अॼु पाण पढ़ंदासीं पोटी जूं टे इम्पॉर्टेंट ऐं डिस्टिंक्ट क्लासिस. उन में पहिरियों असां वटि आहे क्लासिकल पोटी, पोइ असां वटि आहे रोमेंटिक पोटी, ऐं टीं असां वटि आहे मॉडर्न पोटी. ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं असां इन्हनि टिनी जॉनराज़ खे poetry jo sab genres hain in ke we will study them separately, then we will come to know that we can divide them in chronological order as well. Asan ke chronological order mein bhi virai sakun tha. The poetry of ancient time is considered as classical poetry, though this is not the definition of classical poetry. Aj bhi 2024 mein jekar ko maanu classical canons ke zehn mein rakhi kare ko kamal jo sher likhe to woh classical poetry thi sake thi, पर उहे जेके कमाल जा क्लासिकल कैनन्स आहिनि उहे अॼु जे राइटर खे अचनि था या नथा अचनि, दैट इज़ अनदर थिंग. ऐं उहो असांजो टॉपिक बि न आहे. उहो लिटरेचर जो क्लास हुजे त असांजो टॉपिक आहे, पर पाण हिते हिकिड़ी ॻाल्हि, यू शुड कीप इन यूर माइंड दैट दिस इज़ नॉट द क्लास ऑफ लिटरेचर, दिस इज़ क्लास ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ टेस्ट. इफ़ यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग मीन के मां जीअं क्लास में तव्हांखे पढ़ाईंदो आहियां त हिते बि ईअं पढ़ाईंदुमि, त ईअं थोरो न हूंदो. ठीकु आहे न, क्लास में पाण खे हिकिड़ो सब्जेक्ट हूंदो आहे, पोइ पंहिंजा हवाल हूंदा आहिनि, पोइ पंहिंजा मज़ेदार मिसाल हूंदा आहिनि, उन खां थोरो ई टेस्ट जेको आहे. त हिन करे तव्हां अगरि बिरयानी जो आसिरो सम्झी आया आहियो त हिते बिरयानी न मिलंदी, तव्हांखे हिते पुलाउ खाइणो पवंदो. ठीकु आहे, सो द स्टाइल विल बी बिट डिफरेंट. त हाणे क्लासिकल पोएट्री छा आहे, हिन सां गॾो गॾु असांखे ख़बर पवंदी त क्लासिसिज़म बि बेसिकली छा आहे, ऐं पोइ वरी रोमेंटिक पोएट्री छा आहे, उहो छो आई, ऐं how it differs from classical poetry, ऐं वरी उन खां पोइ जेको मॉडर्न पोएट्री आहे उहा वरी इन्हनि ॿिन्ही खां डिफरेंट कीअं आहे, उन ते अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं. एंड विल ट्राए टू फाइंड आउट दी स्पेसिफिक थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन यूअर एग्ज़ाम. एंड यूर एग्ज़ाम इज़ बेस्ड ऑन एम सी क्यूज़. जीअं त तव्हांजो एग्ज़ाम जेको आहे उहो एम सी क्यूज़ बेस्ड आहे, तंहिं करे मां तव्हांखे
will be offering my expertise to tell you that what type of MCQs can be constructed from this structure. ये जो कोपान पढ़ाऊँ था तो उन्हें माँ जो को MCQs ठाइन दो टेस्ट थे, वो उन्हें माँ क्या क्वेश्चन ठाइन दो, ठीक है बाबा? आई योर माँ कॉन्फिडेंस अच्छा तो चौं, योर माँ कॉन्फिडेंस इनला तो चौं तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग डिफरेंट टेस्ट, ठीक है? माँ टेस्ट उठाइन हुआ है, मुख्तलिफ लेवल जो ठाइन हुआ है, स्टूडेंट जो ठाइन हुआ है, टीचर्स जो ठाइन हुआ है, तो मुझे खबर आ तो माँ जैसे पान भी टेस्ट ठाइन हुआ है तो कौन माँ सवाल माँ की खटूंगी, ठीक है? Now classical pottery refers to the pottery produced in ancient civilizations, particularly in Greece and Rome. Yunan and Rome जी civilization में पुराने दौर जी civilization में जिका pottery produced थींदी हुई उन्हें के पाण basically सॾींदा आहियूं classical pottery. पर इहा pottery जी classical pottery जी कहिड़ी definition आहे? इहा हेरारिकल डेफिनेशन आहे, इहा टाइम डेफिनेशन आहे, त भाउ पुराणे ज़माने में जेका पोटी लिखी वेंदी उहा क्लासिकल आहे, इहा कंप्लीट डेफिनेशन न आहे. इन मां जॾहिं असां एम सी क्यूज़ ठाहींदासीं त कीअं ठाहींदासीं? द पोट्री ऑफ ग्रीक इरा इज़ रेफर्ड एज़ क्लासिकल पोट्री, मॉडर्न पोट्री, रोमांटिक पोट्री, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज. इन क़िस्म जा असां ऑप्शन ॾींदासीं, ठीकु आहे? So you must keep in mind the pottery produced in Greek era, pottery produced in Roman era, purane daur ji jeka pottery a, even pottery produced in the era of Chaucer, pottery produced by Milton, theek hai na, ye sadaindi a classical pottery. In a classical pottery mein cha hundo a? छाकाणि त जॾहिं मां चौसर ऐं मिल्टन बि हिनखे एड्रेस कयो त हाणे माना हू सुवाल त कटिजी वियो त सिर्फ़ु इहा रेफर्स टू ग्रीक एंड रोमन ऐं इंटरेक्टिव कंदा हलो, ॻाल्हाईंदा हलो, ठीकु आहे न? जॾहिं असां चौसर खे इंक्लूड कयो हुन में एंड वैन वी इंक्लूडेड मिल्टन इन इट, वैन वी इंक्लूड मिल्टन इन इट, वैन वी इंक्लूड स्पेंसर इन इट, समटाइम्स वैन वी इंक्लूड इवन मैथ्यू आर्नल्ड इन इट, ऐं मज़े जी ॻाल्हि त मॉडर्न पोइट आहे टी एस इलियट. पर जेकॾहिं असां पोट्री खे मॉडर्न में न विरायूं ऐं उनखे सिर्फ़ु ॿिनि हिसनि में विरायूं क्लासिकल ऐं रोमेंटिक में, त टी एस इलियट जी पोट्री बि असांखे कहिड़ी पोट्री नज़र ईंदी? क्लासिकल पोट्री नज़र ईंदी. त हाणे ख़बर पइजी वई त क्लासिकल पोट्री जो रुॻो टाइम सां तालुक़ु न आहे. इट इज़ वन ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल पोट्री. उहो क्लासिकल पोट्री जो सिर्फ़ु हिकिड़ो आस्पेक्ट आहे त उहो टाइम सां रेफर कंदो, उहो माना ग्रीक्स जे दौर सां हुजे, रोमन जे दौर सां हुजे. हाणे ग्रीक्स जी जॾहिं ॻाल्हि कंदासीं त असां वटि कहिड़ो पोट ज़हन में ईंदो? शाबाश, होमर ईंदो असांजे ज़हन में. दुनिया जो पहिरियों शायर, द फर्स्ट पोट ऑफ द वर्ल्ड, ठीकु आहे? अंधो शायर. वरी मज़े जी ॻाल्हि इहा आई त कहिड़ो शायर? अंधो, ब्लाइंड पोट. हाणे त मॉडर्न लिटरेचर चए थो त अलाए होमर हुयो बि अलाए न हुयो, ठीकु आहे? पर इन लिटररी प्रिंसिपल्स होमर इज़ कंसिडर्ड एज़ द फर्स्ट पोट ऑफ द वर्ल्ड, ठीकु आहे? वरी जॾहिं रोमन में ईंदासीं त असां वटि वॾे में वॾो एग्ज़ाम्पल कहिड़ा? वर्जिल जो, ठीकु आहे न? वर्जिल रोमन पोटी जो वॾे में वॾो मिसाल आहे, क्लासिकल पोटी जो बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल, ठीकु आहे? हाणे इन्हनि में कहिड़ी ॻाल्हि कामन आहे जो असां टी एस इलियट खे बि हिन लिस्ट में शामिलु कंदा आहियूं? टी एस इलियट त 20 सेंचुरी जो आहे. 20 सेंचुरी जे राइटर खे वी आर इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, द राइटर्स ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन. छो?
छाकाणि त क्लैसिकल पोएट्री जी डेफिनेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द टाइम पर क्लैसिकल पोएट्री जी हिकिड़ी ॿी क्वालिटी आहे त क्लैसिकल पोएट्री एडहेयर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट मीटर क्लैसिकल पोएट्री में तव्हांजो जेको स्ट्रक्चर हूंदो उहो वॾो फॉर्मल हूंदो उनजो मीटर जेको आहे उहो छा हूंदो प्रॉपर हूंदो स्ट्रिक्टली फॉलो कंदो मीटर माना सम्झो था सिंधी शायरी में जेको असां कंदा आहियूं वज़न ई बहर ठीकु आहे न पूरे जी पूरी वज़न बहर ते इल्म उरूस ते माना थियल शायरी हूंदी त हाणे इल्म उरूस ते ॿधल जेका बि वज़न बहर ते पूरी शायरी पूरी उतरंदी ऐं हुन जा आइडियाज़ सबलाइम हुजनि हाई लेवल जा आइडियाज़ हुजनि ठीकु आहे ऐं पोएटिक कन्वेंशन्स खे फॉलो कनि शायरी जी प्रॉपर जॉनरा खे फॉलो कनि माना पुराणे ज़माने जी शायरी या त इपिक हुजे या त ओड हुजे या त सोनेट हुजे इन प्रॉपर स्ट्रक्चर खे फॉलो कंदा त उनखे असां सॾींदासीं छा क्लैसिकल ऐं क्लैसिकल पोएट्री जी हिकिड़ी ॿी ख़ासि निशानी तव्हांखे कीअं ख़बर पए त दिस पीस ऑफ पोएट्री इज़ क्लैसिकल आर रोमेंटिक आर मॉडर्न क्लैसिकल पोएट्री जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त उहा सीरियस हूंदी उनजो थीम सीरियस हूंदो ठीकु आहे उहा रीज़न खे फॉलो कंदी उहा स्ट्रक्चर में परफेक्ट हूंदी उनजी पेरोसिटी परफेक्ट हूंदी उन में मीटर परफेक्ट तौर ते इस्तेमालु थियलु हूंदो इहे ॻाल्हियूं आहिनि दीज आर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैसिकल पोएट्री टू थिंग्स अच्छा हाणे हिन मां MCQs kyun thaindasi how an MCQs can be constructed from this the type of the poetry that follows formal structure strict meter and established poetic conventions is called classical poetry romantic poetry modern poetry none of these all of these theek hai mana ikde introduction wali line ma asa ba question thaya si ja wari कॾहिं कॾहिं असां ट्रिक कंदा आहियूं स्टूडेंट खे छाकाणि त MCQs टाइप जेका टेस्ट हूंदी आहे न उहा तव्हांजी एबिलिटी टेस्ट न कंदी आहे उहो तव्हांखे फिल्टर आउट करण जी कोशिशि कंदी आहे त हाणे असां वटि सीटूं आहिनि 100 शागिर्द वेठा आहिनि 10,000 हाणे 10,000 शागिर्दनि खे 100 सीटुनि में कीअं विरिहायूं पोइ MCQs अहिड़े क़िस्म जा ट्रिकी ठाहींदा आहियूं त जीअं घणे खां घणा शागिर्द फिल्टर आउट थी वञनि छा थी वञनि फिल्टर आउट सम्झो था निकिरी वञनि बाक़ी जेके थोरा चंद बचनि त पोइ उन्हनि खां असां इंटरव्यू वठूं तंहिंजे करे MCQs टेस्ट में जेकॾहिं तव्हां फेल थी था वञो त हिन जो मक़सदु ईअं न आहे त तव्हां होशियारु न आहियो तव्हां कॉम्पिटेंट न आहियो हिन जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां टेस्ट खे प्रॉपर सीरियस सम्झण में ग़लती कई ऐं असां नौजवान जॾहिं टेस्ट ते वेंदा आहिनि न त उन्हनि ते सभिनी खां वॾो टेस्ट डे प्रेशर हूंदो आहे फस्ट टाइम तव्हां मां जॾहिं केरु कमीशन जो पेपर ॾियणु वेंदो न त तव्हां वॾा एक्साइटेड बि हूंदा आहियो आई एम गोइंग टू अपीयर इन द पेपर ऑफ कमीशन लेक्चर सब्जेक्ट स्पेशल पेपर में वञा थो वॾो एक्साइटेड छोकिरो हूंदो आहे पोइ जज़्बात में पर पाण खे छाकाणि त एवरीबडी कंसिडर हिमसेल्फ आर हर सेल्फ कॉम्पिटेंट तव्हां पाण खे होशियारु सम्झंदा आहियो उते पोइ तव्हां सुवाल ॾिठो उन सुवाल में लिखियलु ख़बर छा हो सुवाल में लिखियलु हो त Which among the following, yeah, misali gal, the poetry that does not adheres to the formal structures, strict meter, and often follows the poetic convention, and swallow not. Tahan jo not de dhyani ne. Tahan jo ade sahi padha class mein, unhe mein likhe alo ba formal structure hoje, poetic jo kwa so meter follow chal hoje, formal structure hoje, ya de classical poetry, thok tick kar baba classical poetry. Baba swallow mein not likhe alo.
सवाल मिसाल लिखियलु नॉट लिखियलु तंहिंजे करे टेस्ट डे ते जेको बि क्वेश्चन पढ़ो हुनखे वॾे आराम सां ऐं वॾे सुकून सां पढ़ो त हू तव्हां खां पुछा कनि छा थो चाहे। ॿी हिकिड़ी ट्रिक, एम सी क्यूस टेस्ट इन लाइ आसान हूंदी आहे जो एम सी क्यूस टेस्ट में तव्हांखे जवाबु मिलियलु हूंदो आहे। यू आर ऑलरेडी गिवन एन आंसर। देर आर फोर ऑप्शन्स, चार ऑप्शन हूंदा, पर हुन चइनि ऑप्शन में हिकिड़ो ऑप्शन करेक्ट आहे। इंसानी दिमाग़ आहे, कॾहिं कॾहिं असांखे करेक्ट ऑप्शन न ईंदो आहे, पर जॾहिं उहो ऑप्शन असांजे साम्हूं ईंदो आहे त असां चवंदा हायर आहे हीअं। ठीकु आहे, हलो साईं, चार ई ऑप्शन तव्हांखे नथा अचनि, चार ई ऑप्शन तव्हांखे नथा अचनि। कॾहिं कॾहिं इहा सिचुएशन थी वेंदी आहे त यू डोंट नो अ सिंगल आंसर आउट ऑफ द फोर प्रोवाइडेड ऑप्शन्स। पोइ इते वरी असां हिकिड़ो नओं तरीक़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन ट्रिक खे असां सम्झंदा आहियूं पी ओ ई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। छा चवंदा आहियूं? पी ओ ई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हाणे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में असां छा कंदा आहियूं, चार ऑप्शन आहिनि, उन्हनि चार ऑप्शननि मां हिक या ॿ ऑप्शन अहिड़ा हूंदा जेके रिलेटेड ई न हूंदा। मिसाली ॻाल्हि, सवाल आहे पोटी सां रिलेटेड, पर ऑप्शन ॾिनल आहे नॉवल जो। सवाल आहे पोटी सां रिलेटेड, पर ऑप्शन ॾिनल आहे छाजो? ड्रामा जो। सवाल आहे क्लासिकल पोटी सां रिलेटेड, पर हुनजो जेको एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे उहो हिकिड़े नॉवलिस्ट जो ॾिनल आहे। माना इहो त सिधो सओ असांजो जवाबु छा थी वियो? ख़ारिज थी वियो। असां हिनखे एलिमिनेट कंदासीं, असां हिनखे छा कंदासीं? एलिमिनेट कंदासीं। इनखे सघो आहे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हाणे बचा बाक़ी घणा ऑप्शन? टे। वरी अञा थोरो गौर कंदो त वरी किथां न किथां क्लू मिली वेंदो, हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन बि तव्हांजो एलिमिनेट थी सघे थो। तव्हां चवंदा हिनखे बि थोरो कट था कयूं, साइड ते था कयूं। हींअर पोटी थो बणाए न त हिन ॿियो मिसाल ईअं ॾियां त शेक्सपियर जी बर्थडे जे बारे में अचे त शेक्सपियर जी डेट ऑफ बर्थ छा आहे? ऑप्शन हुजे 1554, 1610, 1570, ठीकु आहे, ऐं 1480। चार ऑप्शन अची विया ऐं तव्हांखे छा करिणो आहे? शेक्सपियर डेट ऑफ बर्थ। हाणे तव्हांखे एग्ज़ेक्ट ख़बर न आहे त शेक्सपियर डेट ऑफ बर्थ कहिड़ी आहे, तव्हांखे एतिरी त ख़बर हूंदी त शेक्सपियर इहो 1400 वारो त ऑप्शन थी न सघे। 1400 माना 15th century ॻाल्हि त सिधी आहे, शेक्सपियर 15th century हुयो कोन, शेक्सपियर छाजो 16th century राइटर हो। माना इहो त प्रोसेस छा थी वियो? एलिमिनेट थी वियो। ऑप्शन आहे 1610, 1610 यार 17th century थी, शेक्सपियर 17th century में हुयो सही, पर ॼमण त 17th century में कोन थींदो शेक्सपियर जो। हा, इहो ऑप्शन छा थी वियो? एलिमिनेट थी वियो। ऑप्शन बचा घणा? ॿ। हिकिड़ो आहे 1564, ॿियो ऑप्शन आहे 1570। हाणे हिते तव्हां कंफ्यूज़ थी वियो। हाणे इन कंफ्यूजन जे दौर में तव्हां को बि टिक कंदव, तव्हांखे जवाबु नथो अचे, यू डोंट नो एक्ज़ेक्टली द डेट ऑफ शेक्सपियर बर्थ, तव्हां को बि हिकिड़ो टिक कंदव त तव्हांजी कामयाबी जा 50% चांस थींदा। माना 50% चांस आहिनि त तव्हां सही टिक करे सघो था। चार मां धुके ते हिकिड़ो टिक कयो आहे त 25% चांस हूंदा आहिनि कामयाबी जा, 75% चांस हूंदा नाकामी जा। प्रोबेबिलिटी, विन प्रोबेबिलिटी, सिलेक्टिंग वन करेक्ट आंसर आउट ऑफ फोर इज 25%, बट करेक्ट प्रोबेबिलिटी वायर सिलेक्टिंग ऑप्शन फ्रॉम टू ऑप्शन इज 50%। पोइ तव्हां 1564 बि टिक करे सघो था, 1570 बि टिक करे सघो था। हाणे 1564 जेको कंदो 1564, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। माना पर तव्हांजा कामयाबी चांस घणा परसेंट वधी आहे? 50% वधी आहे। तंहिंजे करे एम सी क्यूस खे अटैम्प्ट करण जो इहो तरीक़ो आहे त पहिरियां जेकॾहिं तव्हांखे चार ऑप्शन नथा अचनि त हुन ते तव्हां अप्लाई कयो छा? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ऑप्शन अचे थो साईं, असां ऑप्शन ईंदो आहे ठक टिक कर, बाबा सही आहे।
काउंटर चेक इट किथे नॉट त कोन थो लॻनि किथे हुनजे अगेंस्ट नथो पुछे अगरि तव्हां टेस्टूं ॾिनियूं हुजनि त सभिनी खां वॾो प्रॉब्लम मूंसां प्रॉब्लम थींदो आहे अक्सर करे सिनोनिम जी जॻह ते एंटोनिमेटिक करे छॾींदा आहियूं एंटोनिम जी जॻह ते सिनोनिमेटिक करे छॾींदा आहियूं अक्सर करे थींदो आहे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सां थींदो आहे इहा ख़बर ई न छो त सिनोनिम वारे ऑप्शन में उहो एंटोनिम जो ऑप्शन टोके खणी हणंदो आहे असां चवंदा अड़े एंटोनिम त सही आहे टिक करे छॾियो बाबा मथे सॉल्व सिनोनिम जो एंटोनिम वारे ऑप्शन में सिनोनिम ॾेई छॾींदो असां चवंदा अड़े हे त सवलो आहे छा हाल असां चेक करिणो आहे डबल चेक करिणो आहे काउंटर चेक करिणो आहे एम सी क्यूज़ में ख़ासितौर ते सिंध प्रोसेस कमीशन जे टेस्ट में वेयर यू हैव निगेटिव मार्किंग जिते तव्हांजे निगेटिव मार्किंग आहे यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल तव्हांखे वॾो केयरफुल थियणो पवंदो ठीकु आहे बाबा हलो साईं अॻिते हलूं त क्लासिकल पोइट्स जेके आहिनि क्लासिकल पोइट्री क्लासिकल पोइट्स ई लिखंदा डेफिनेटली त जेके क्लासिकल पोइट्स आहिनि क्लासिकल पोइट मां मुराद चाहे होमर आहे तव्हांजो वर्जिल आहे तव्हांजो ठीकु आहे तव्हांजो मिल्टन आहे तव्हांजो चौसर आहे तव्हांजो स्पेंसर आहे इहे वॾा वॾा जेके नाला आहिनि उहे छा कंदा आहिनि उन्हनि जा थीम्स क्लासिकल पोइट्री जा क्लियर आहिनि हीरोइज़म इज़ द बिगेस्ट थीम ऑफ क्लासिकल पोइट्री को न को हीरो हूंदो जंग हूंदी वार हूंदी ठीकु आहे मिथोलॉजी हूंदी ख़ासितौर ते ग्रीक मिथोलॉजी जे तरफ़ ठीकु आहे एंड सेलिब्रेशन ऑफ आइडियल्स वॾा वॾा आइडियल्स सेलिब्रेट थियल हूंदा ठीकु आहे कंहिं वॾे बादशाह जी ॻाल्हि हूंदी कंहिं वॾे हीरो जी ॻाल्हि हूंदी कंहिं वॾे अज़ीम किरदार जी ॻाल्हि हूंदी ऐं ख़ासितौर ते जेके ग्रीक पोइट्स आहिनि या उन खां बैदि वारा बि त उहे ग्रीक मिथोलॉजी ते ॻाल्हाईंदा पर हिन ते वरी थोरो ध्यानु ॾिजो रोमेंटिक पोइट्री में बि ॿुधाईंदोमांव उनजो बि हिकिड़ो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमेंटिक पोइट्री इज़ ऑल्सो लाइक दैट एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ज़ोर हूंदो स्ट्रक्चर ते ऐं फॉर्म ते अगरि तव्हां सिंधी पोइट्री पढ़ंदा हुजो ऐं तव्हांखे इंट्रेस्ट हुजे सिंधी पोइट्री में असां वटि उभरंदड़ खान साहब बि वेठो आहे क्लासिकल गाना वाना ॻाईंदो आहे कलाम वलाम ॻाईंदो आहे त क्लासिकल पोइट्री में असां फॉर्म जे चकर में मैसेज विञाईंदा आहियूं माना पोइट्री में को मैसेज हुजे न का नई ॻाल्हि हुजे न पर शायर इल्म वज़न बहर जे चकर में उहो जेको प्रॉपर मैसेज आहे उनखे सेक्रीफाइस करे छॾींदो छाकाणि त फोकस छा थिए वज़न ई बहर ते आहे तंहिंजे करे मां त अहिड़ी शायरी कंदो ई न आहियां बाबा असां वटि शायरी जो मक़सदु हूंदो आहे बाबा मैसेज पहुचे अॻे तव्हां पोइ वज़न बहर पिया ॾिसंदासीं हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो जीअं हर तुंहिंजी शायरी में जेको आहे वज़न कोन्हे को मां चयो ट्रक भुजी आहे वज़न हुजे ट्रक थोरी आहे वज़न हुजे कहिड़ो कांटो कराईंदासीं कहिड़ो खपाईंदासीं मां तोखे वणे थी यार वणे थी पर वज़न कोन अथई तूं वज़न खे चए तूं वणण ते फोकस कर त क्लासिकल पोइट्री वणण ते फोकस न कंदा उहे छा ते फोकस कंदा वज़न बहर ते फोकस कंदा स्ट्रक्चर ते फोकस कंदा फॉर्म ते फोकस कंदा उन खां अलावा उहे फिक्स्ड लिटररी फॉर्म्स इस्तेमालु कंदा माना लिखंदा त एपिक लिखंदा लिखंदा त ओड लिखंदा लिखंदा त सोनेट लिखंदा उन खां अलावा उहे दे यूज़ टू एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ ऑनर लव एंड मिथोलॉजी ऐं उहे एडियर कंदा मीटर खे ऐं राइमिंग स्कीम खे वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी हुनजी पोइट्री प्रॉपर मीटर में हूंदी अच्छा मीटर घणनि माण्हुनि खे सम्झ में न ईंदो आहे ऐं सची ॿुधायां अंग्रेज़ी मीटर मूंखे बि सम्झ में न ईंदो आहे ठीकु आहे छाकाणि हुनजा पंहिंजा पंहिंजा तरीक़ा आहिनि मूंखे सिंधी जो मीटर ॾींहं सम्झ में न आयो आहे त अंग्रेज़ी जो किथां सम्झ में ईंदो मीटर माना इल्म उरूस ठीकु आहे इल्म उरूस माना लफ़्ज़ जी स्ट्रक्चर केतिरी आहे लफ़्ज़ खुटल आहे पूरो आहे वज़न में पूरो आहे
इहो हसन साहब जी शायरी करे असांखां ज़ोर आहे शायरी ठीकु आहे असांजी सिधी शायरी हूंदी आहे तंहिं करे पाण कॾहिं बि क्लासिकल वारे चकर में ईंदा आहियूं हाणे अचो इन खे साम्हूं रखी करे अच्छा पढ़ाई जो तरीक़ो थो ॿुधायां पढ़ाई जो तरीक़ो इहो आहे त तव्हांखे शयूं यादि नथियूं थियनि न त हुनखे कंपेयर कयो हुनखे कंट्रास्ट कयो हुनखे मुक़ाबले में पढ़ो मिसाल जी ॻाल्हि विक्टोरियन एरा पढ़ो था न हाणे विक्टोरियन एरा तव्हांखे यादि नथी थिए त विक्टोरियन एरा में शयूं कीअं थींदियूं विक्टोरियन एरा खे कंहिं ॿी एरा सां गॾु करे पढ़ो ठीक आहे एलिज़ाबेथ एरा सां गॾु पढ़ोसि पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त एलिज़ाबेथ एरा में हीअं थींदो विक्टोरियन एरा में हीअं थींदो ठीकु आहे विक्टोरियन एरा खे मॉडर्न एरा सां कंपेयर करे पढ़ो त मॉडर्न एरा में हीअं थींदो विक्टोरियन एरा में हीअं थींदो आहे हाणे क्लासिकल ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे न क्लासिकल खे रोमांटिक सां गॾु करे पढ़ो ठीकु आहे अगरि क्लासिकल में हीअं थींदो आहे त पोइ हाणे वरी रोमांटिक में छा थींदो रोमांटिक पोएट्री एमर्ज इन द लेट 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी 1800 लेट 18th सेंचुरी तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ो किताबु छपियो त रोमांटिक पोएट्री जो बाइबल छपियो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट उनजो बाइबल आहे पहिरियां पहिरियां किताबु छपियो हो लिरिकल बैलेट छा छपियो लिरिकल बैलेट लिरिकल बैलेट कंबाइंडली लिखियो हो कंहिं गॾिजी सॼी करे लिखियो उनजो प्रीफेस लिखियो हुयो वर्ड्स वर्ड त हिन करे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो अगरि अचे त हू इज़ राइटर ऑफ लिरिकल बैलेट त सिर्फ़ वर्ड्स वर्थ इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन लिरिकल लिरिकल बैलेट में वर्ड्स वर्थ ऐं कॉलेज गॾु ईंदा करेक्ट ऑप्शन इहो आहे पर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में केरु ईंदो विलियम वर्ड्स वर्थ अकेलो अकेलो ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां सुवालु ईंदो आहे कैंटरबरी टेल्स एंड प्रीफेस टू कैंटरबरी टेल्स Preface to Canterbury Tale is a simple introduction of Canterbury Tales. वो चासर लिखियो हो कैंटरबरी टेल्स भी चासर लिखियो हो पर उहो असुलु किताब उहो आहे टेल्स उहे आहिनि कैंटरबरी टेल्स आहिनि पर हुनजो प्रीफेस जेको उहो हुन खां अलॻि आहे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾंदा कयो ठीकु आहे हाणे ताईं लिरिकल बैलेट जे अचण खां पोइ ऐं हुनजे प्रीफेस अचण खां पोइ दुनिया खे ख़बर पई त बाबा पोएट्री जेका आहे ज़रूरी न आहे त उहा प्रॉपर स्ट्रक्चर में हुजे प्रॉपर मीटर में हुजे छो त वर्ड्स वर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में लिखे थो त पोएट्रीज़ एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एतिरी डेफिनेशन कंप्लीट न आहे अॻिते बि आहे रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी शायर सुकून में वेठो हुजे ट्रैंक्विलिटी में वेठो हुजे पोइ वेठे वेठे पंहिंजे ख़्यालनि खे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ॾे वेठे वेठे आई वॉन्डर लॉनली एज़ अ क्लाउड ठीकु आहे हुनखे वेठे वेठे बसि ईअं अटमोस्ट चई विझे त पोइ सेक्रीफाइस कंदो छाखे मीटर खे बि सेक्रीफाइस कंदो राइमिंग खे बि सेक्रीफाइस कंदो हुननि सभिनी शयुनि खे सेक्रीफाइस कंदो ऐं हाणे हीअ पोटी रीज़न मां न ठाहींदो पोटी छा मां ठाहींदो इमेजिनेशन मां ठाहींदो द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रोमेंटिक पोटी इज़ दैट इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ इमेजिनेशन इमेजिनेशन इज़ द की वर्ड ऑफ रोमेंटिक पोएट्री रोमेंटिक पोएट्री जो की वर्ड कहिड़ो आहे इमेजिनेशन जॾहिं त क्लासिकल पोएट्री जो की वर्ड इमेजिनेशन आहे जॾहिं त उहे बि इमेजिनेशन मां ई ठाहींदा आहिनि पर हू इमेजिनेशन खे शेप कंदा आहिनि पंहिंजी रीज़न सां हू इमेजिनेशन खे छा कंदा आहिनि शेप कंदा आहिनि पंहिंजी रीज़न सां जॾहिं त रोमेंटिक पोएट्री जो जेको वॾे में वॾो कंसंट्रेशन छा थिए आहे उहो इमेजिनेशन ते आहे ठीकु आहे एज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द फॉर्मल कंस्टेंट्स ऑफ क्लैसिकल पोएट्री जेका रोमेंटिक पोएट्री आई हुई उहा क्लैसिकल पोएट्री जा जेके फॉर्मल कंस्टेंट हुआ न
शायरी हीअं न हुजे, हीअं हुजणु खपे, हे लफ़्ज़ हिते न हुजे, हे लफ़्ज़ पूरो न आहे, हे खुटल आहे, मीटर खुटल आहे, हिते मैसेज खुटल आहे, हिते माना तव्हांजी रैमिंग स्कीम खुटल आहे। इन खां तंग थी करे रोमेंटिक पोइट्री जी शुरूआत थी। मिसाल जी ॻाल्हि, मां जॾहिं पहिरियां पहिरियां शायरी लिखणु शुरू कई त मां हिकिड़े सिंधी मां ॾाहे शायर खे पंहिंजी शायरी ॾेखारी। मां उस्तादु थोरो इस्लाह कयो, उस्ताद साहब जे हथ में पेन खणी अची घोड़ा पती मां ॾिसां पियो वठो। आख़िर में उस्ताद साईं मूंखे छो चवंदो आहे, ॻाल्हि ॿुध, हे लफ़्ज़ हीअं न ईंदो, ही ख़्याल हीअं सही न आहे, हीअं कर। मां उस्ताद साईं चयो, उस्ताद ख़्याल त मुंहिंजो आहे, मुंहिंजो मन मूंखे इहो ॿुधायो त वज़न हथ जा न थियसि, ॿ टे किलो वधायां, ख़्याल त मुंहिंजो आहे न। पोइ उन ॾींहं खां पोइ वरी मां कोशिशि कई कंहिं उस्ताद खे न ॾेखारियां, बोर त कोन थियो। मुंहिंजी पढ़ाई जी हिकिड़ी क्वालिटी आहे, मां पाण खे उस्ताद सुठो न सम्झंदो आहियां, पर मूंखे इहो आहे त मां तव्हांखे टे कलाक बि पढ़ाईंदो, तव्हांखे बोर थियो न ॾींदो, ठीकु आहे। तव्हां थकिजी पवंदो घर वञण, तव्हांखे टेंशन हूंदो, मूंखे त न घर आहे न घाट आहे, जंहिं महिल टाइम पूरो थी वञे त हथ बि मथे खणी वेंदुमि, क्लास ईअं हलाईंदुमि, ठीकु आहे। सो क्लासिकल पोटी जा जेके कंस्टेंट्स हुया, to counter those constraints there emerged a new group of poets who disliked those constraints of classical poetry and thus romantic poetry emerged. And mazey gal bada, iyo to kitaban mein milandav, haane ikri jeka gal bada yaadho na, wo kitaban mein ghat milandav. Romantic loves shuruaat ye zamane mein when it was used, ajkal ta mutwar lafza na, शुरूआत जे ज़माने में जॾहिं रोमेंटिक वर्ड इस्तेमालु थियो त ॼण त गार लॻंदी हुई, दे नेवर लाइक द यूज़ ऑफ रोमेंटिक विद देम, वर्ड्स वर्ड्स खे चए न, यू आर रोमेंटिक पोइट, माना वर्ड्स गार ॾेई छॾी, कॾहिं बि न चवंदो त मां रोमेंटिक आहियां। पर अॻिते हली करे दे वर एस्टेब्लिश्ड एज़ रोमेंटिक पोइट्स, अॻिते हली करे छा मशहूरु थिया, रोमेंटिक पोइट्स मशहूरु थिया, ऐं अॼुकल्ह फ़ख्रु जो नालो आहे, बाबा मां रोमेंटिक पोइट आहियां। अछा, ॿी ॻाल्हि इहा बि जॾहिं मां कढी छॾियो त रोमेंटिक पोइट्री में रोमेंस हूंदो, रोमेंस वोमेंस बि हूंदो, पर ज़रूरी न आहे, रोमेंस हुन में बि हूंदो आहे, लव हुन में बि हूंदो आहे, क्लासिकल पोइट्री में बि हूंदो आहे। घणो करे अक्सर करे शागिर्दनि जे ज़हन में इहा ॻाल्हि वेठल हूंदी आहे त रोमेंटिक पोइट्री आहे त माना रुगी रोमांस वोमांस ई हूंदो, ठीकु आहे। हे रोमेंटिक पोइट्री खे रोमांस वोमांस सां को बि तालुक न आहे, इहो पंहिंजे ज़हन में रखी छॾियो। इहो मां हिन लाइ थो चवां त मां हिकिड़े दफ़े हिकिड़े शागिर्द खां पुछा कयो, मां चयो ॾे हाल अहिवाल हीउ पोइम कहिड़ो आहे, चई रोमांटिक आहे, मां चयो चई रोमांस ईअं न आहे त जंहिं पोइट्री में रोमांस हुजे त पोइ रोमेंटिक पोइट्री हुजे। अच्छा, रोमेंटिक पोइट्स सेलिब्रेट इमोशंस, रोमेंटिक पोइट्री में इमोशंस सेलिब्रेट थींदा आहिनि, ठीकु आहे। त इमोशन वर्सिस रीज़न, इमोशंस हेॾा इमोशन सेलिब्रेट थींदा, होॾा रीज़न सेलिब्रेट थींदो, हेॾा इमेजिनेशन सेलिब्रेट थींदो, होॾा रीज़न ऐं विज़डम जेको आहे सो माना सेलिब्रेट थींदी। इंडिविजुअलिज़म, हर शायर पंहिंजे पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कंदो, शायर शायरी इन लाइ नथो करे त सभिनी माण्हुनि जी तर्जुमानी करे, शायर इहा ॻाल्हि ईअं थो करे छाकाणि त शायर पाण बज़ाते ख़ुदि इहा ॻाल्हि फील करे थो, ठीकु आहे न। तव्हां मिसाल जी ॻाल्हि जीअं सॉलिटरी रिपर पढ़ियो हूंदो वर्ड्स वर्ड जो, है न, सॉलिटरी रिपर में हिकिड़ी छोकिरी ॻाह पई करे वर्ड्स वर्ड खे वणी न, मूंखे या तव्हांखे थोरी वणी, असां रोज़ ॾिसंदा आहियूं मायूं फुटी चुनी करे ठाही थी शायरी, असांजे लाइ कॉमन शइ आहे, पर वर्ड्स वर्ड हिकिड़ो एॾो सेंसिटिव हो, अलाए अंग्रेज़नि में हीअं मायूं निकिरंदियूं कोन्हनि, कमु कंदियूं कोन्हनि, वीचारे ॾिठो त हुनखे ॾाढो मज़ो अची वियो आहे, ठीकु आहे। ऐं सॉलिड रिपर जहिड़ो एॾो मशहूरु हिकिड़ो बहितरीन पोइम लिखी छॾी,
त हुन में इंडिविजुअलिज़म सेलिब्रेट थींदो आहे. छा सेलिब्रेट थींदो? इंडिविजुअलिज़म सेलिब्रेट थींदो. उन खां अलावा उन में नेचर सेलिब्रेट थींदी. हाणे इन ॻाल्हि ते विढ़ी पिया केर न कॉलरिज ऐं विलियम मर्सर. ठीकु आहे, ॿिन्ही गॾिजी करे लिखो त सही लिरिकल बैलेट्स. लिरिकल बैलेट्स में हाणे एग्ज़ेक्ट मूंखे नंबर यादि न आहे. पाण अॼुकल्ह मेटा जो ज़मानो अथव, जेका ॻाल्हि तव्हांखे डाउट लॻे कंहिं शइ जी ज़रूरत पए मेटा में ओॾी महिल पुछा कयोसि, बाबा इहो जेको क्लासिक जेको लिरिकल बैलेट आहे त हुन में वर्सो जा केतिरा पोएम आहिनि ऐं कॉलेज जा घणा पोएम आहिनि. पंज छह हूंदा जेको आहे कॉलेज जा. ठीकु आहे, हा बसि एतिरो कंट्रीब्यूशन हो. हाणे थोरो मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां. वर्ड्सवर्थ ऐं कॉलरिज जी दोस्ती छा थी असल में कॉलरिज वीचारो घर जो मरियल हो. कॉलरिज जी शादी ॾाढी अजीब तरीक़े सां थी. कॉलरिज ऐं कुझु स्कॉलर्स पंहिंजे दौर में हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो हुयो स्कॉलर्स जो, पाण खे इंटलेक्चुअल सॾींदा. उन्हनि चयो त लेट्स कलेक्ट द वाइज द हाइली इंटलेक्चुअल पर्सन्स टुगेदर एंड फाइंड इंटलेक्चुअल वुमेन फॉर देम, देन गेट देम मैरिड, सेटल देम इन एन आइलैंड सो दैट इंटलेक्चुअल चिल्ड्रन कैन बी प्रोड्यूस. चई ॾाढा माण्हू गॾु थियो, ॾाहियूं मायूं गॾु कयो, उन्हनि जूं पाण में शादियूं करायो, उन्हनि अमरीका में हिकिड़ो आइलैंड बि ख़रीद कयो. उन आइलैंड ते हली रहंदासीं, पोइ साईं हेॾा होशियार मर्द, हेॾा होशियार मायूं, ॾाढा मर्द, ॾाढियूं मायूं, त वरी हुन औलाद त अञा मां ॾाढो दुनिया खे सुधारणु हलिया. उन में छा थियो, हाणे ॿिया जेसिताईं मायूं ॻोल्हनि, हिकिड़ी माई ॾाढी होशियारी ॾाढी ॾाई, उनजी कॉलरी सां शादी करायां. हाणे मां उहो जीपी छा चयो, मुंहिंजो क्लास ॿुधायो, हुनखे ख़बर पवंदी कॉलरी जेके घर में जो टॉर्चर मिलिया त वीचार वाफ़ीम ते गुज़रांव. ॿी ॻाल्हि थी वियसि, उहो पोइ बंदि ॿुधाईंदो छा थी वियो, आफ़ीम ई थी वियो ऐं आफ़ीम खाई करे कॉलरेज शायरी कंदो हुओ. ठीकु आहे, अकेलाई में नशे में. ठीकु आहे, इहो सुवाल ईंदो अथव, इहो कमीशन जो सुवाल अथव त कॉलरेज कहिड़ो नशो करे जेको आहे सो पोटी लिखंदो हुओ. ऐं कुबला ख़ान जंहिंमें लिखे पियो त अध में दोस्त अची वियसि. ठीकु आहे, उहो दोस्त अची वियसि, कचहरी वचहरी कयूं, तंहिं करे कंहिंजे घर वेंदा कयो त पहिरियां पुछा कंदा कयो वांदो वांदो आहे या न आहे, मथां उहो कुबला ख़ान लिखण जे चकर में वेठो हुजे. उहो दोस्त जो अची वियसि त हिन लिखणु बंदि कयो, उन खां पोइ कचहरी वचहरी कई, हेॾां होॾां आयो, दोस्त लाइ लिखण जी कोशिशि कई त ही कुड नॉट कंप्लीट कुबला ख़ान. कुबला ख़ान कंप्लीट न कई वन ऑफ दी फ्रेगमेंटेड वर्क ऑफ कॉलरिज कुबला ख़ान. And this is such a wonderful work. कुबला ख़ान जी शुरूआति पढ़ण वरी ख़ूबसूरत माना जेको आहे हुनजी शुरूआति आहे, पर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ इनकम्प्लीट वर्क. ठीकु आहे, पोइ कॉलरिज खे वणी वई डोरोथी. डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ जी भेण, पोइ उन बहाने वेंदो वर्ड्सवर्थ जे घर में वरी चकर ॿकर हणी ईंदो, पोइ वरी डिस्कस कंदा पोटी पोटी दफ़ा. ठीकु आहे, वरी पुछो लिरिकल ब्रेड सां लिखूं पिया, इहे पुराणे ज़माने में कमु थींदो, हिन दौर जो कमु न आहे, घणे वक़्त खां हलंदो आहे कमु. हाणे वर्ड्सवर्थ जॾहिं लिखियो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट त हुनमें चई त पोएटिक लैंग्वेज शुड बी सिंपल. छा चई? पोएटिक लैंग्वेज शुड बी सिंपल. पोएट्री मस्ट बी रिटन इन द पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. बाबा पोएट्री आम माण्हू पढ़ंदा न त आम माण्हुनि वांगुरु शायरी लिखणु खपे त जीअं आम माण्हू सम्झनि.
क्लासिकल छा चवंदा हुआ, क्लासिकल चवंदा न पोएट्री लिखणु खपे छा में, हाईली स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में, लैंग्वेज मां ई ख़बर पए थी क्लासिकल पोएट्री आहे। सिंध में ॿ वॾा शाइर त हुननि जो जहिड़ो थींदो आहे त शाह लतीफ़ खां पोइ वॾो शाइर कहिड़ा आहे, उस्ताद बुखारी बि शेख हयास, फ़र्क़ु ॿिन्ही में छा आहे, शेख हयास जेको आहे उहो हाईली क्लासिफाइड क्लासिकल स्टाइल जा वर्ड लिखंदो हो ऐं उनखे फॉलो कंदो हुयो, उस्ताद बुखारी असांजो अवामी शाइर हो, असां वांगुरु शाइरी कंदो सिधो सिधो रोमेंटिक पोएट हो। उस्ताद बुखारी जो शेर केॾो आम आहे हिकिड़ो, उस्ताद बुखारी थो चए त सिंध जे सूरनि जो नाहे कोई आंध पान, सिंध जे सूरनि जो नाहे कोई आंध पान, घर में ॿ वेकिल ढकियूं हिकिड़ो कमज़ोर न आहिनि, पोइ बि शेपर खे वटि ॾींदे चए थो सोट सां करिणो अथमि फलाम। एॾी आसान शायरी जो ॿाहिरां जो माण्हू बि सम्झे, पढ़ियल लिखियल माण्हू बि सम्झे, अनपढ़ियल माण्हू बि सम्झे। ऐं शेख आहे सखी पिया खे मिली त चइजां चांदनी तो सवा न थींदी, चई त मन जे उमास में आ छो त ॿी राति कान थींदी, कॾहिं बि तो ते दवार दिल जा न बूटबा, तूं भली हली आ बुड़क आरा तॾहिं बि हूंदा, मज़ा चई आ जी आ न थींदी। रुगी म्यूज़िक जे करे सम्झ में ईंदो आहे माना, माना कंहिंखे मुंहिंजे दुआ न ईअं या न आहे। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल राइटर्स एंड रोमेंटिक राइटर्स। पोइ वर्ड्सवर्थ जो ख़्यालु हुयो त पोएट्री कजे उस्ताद बुखारी वांगुरु, पोएट्री कजे कंहिं वांगुरु उस्ताद बुखारी वांगुरु, सिधी राम सोटे जी सिंपल लफ़्ज़ इस्तेमालु कजनि, आम लफ़्ज़ इस्तेमालु कजनि जीअं हर माण्हू सम्झी सघे। जेको घरां ॾिसंदो उहो पोएट्री थींदो आहे। पोएट्री जे लाइ कॉलरिज बिलीव दैट इट मस्ट बी written in specialized language of poetry, and bio huje ya na huje poetry mein willing suspension of disbelief huje, ka ehdi gal huje jo man jo dimag thoro chakrae ji wane, man ke khabar pe te chha hai, unhe je lai Wordsworth field select kai nature ji, Coleridge cho ta nature simple a har man samjhi do, tan je kare poetry must be written in the context of supernatural। चई बाबा शायरी में छा हुजणु खपे, सुपर नेचुरलिज़म हुजणु खपे, माण्हू थोरो दिमाग़ ते इस्तेमालु कनि न सम्झण जे लाइ। हा, तंहिं करे कॉलरिज जी पोएट्री पढ़ंदो हुन में सुपर नेचुरलिज़म आहे। हिन में ॿ लफ़्ज़ तव्हांखे सम्झायां, ॿ जुमिला सम्झायां, हिकिड़ो सुपर नेचुरलिज़म कॉलरिज सां रिलेटेड, ॿियो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हिकिड़ी वॾी लिटरेरी थियरी आहे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, डू यू नो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ छा खे चइबो आहे? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में मां मुराद आहे, फिल्मूं ॾिसंदा आहिनि, फिल्मूं फिल्म में साईं ॿ टे ॾींहं मां वेठी आहे फिल्म, तव्हांखे ताज़ी फिल्म में मिसाल हूंदो, पुराणी फिल्म में मिसाल हूंदो। फिल्म में साईं असांखे ख़बर आहे साईं सलमान खान हीरो आहे, छा आहे सलमान खान हीरो आहे, साईं सलमान खान खे गुना कुटींदासीं, असांखे ॾुख थींदो हा न। हाणे असांखे ख़बर आहे पैसा वरिता अथई, एक्टिंग आहे, मुछड़ा कोन था हणनिसि, फिल्म आहे, पर थोरी देरि लाइ असां छा कंदा आहियूं, थोरी देरि लाइ असां इहा ॻाल्हि विसारे छॾींदा आहियूं त इहा फिल्म आहे या इहो कूड़ आहे, इहो रुगी एक्टिंग आहे, असां पंहिंजो पाण खे उन में इन करे छॾींदा आहियूं, असांखे उन कैरेक्टर सां हमदर्दी थी वेंदी आहे। ऐं जेकर हीरो आख़िर में मरंदो, देवदास आख़िर में मरंदो, सभिनी अड़े बाबा शाहरुख ख़ान जहिड़ो आहे, वरी थोरी देरि खां वरी ॿी फिल्म में ईंदो, अचे थी ख़बर आहे न, पर देवदास जॾहिं बि ॾिसंदो तव्हांखे ॾुख थींदो, तव्हां चाचो पुटु हुयो तव्हांखे, इहो आहे त तव्हांखे उते फील थींदो आहे त तव्हां यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। इन खे सॾिबो आहे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तव्हांखे ख़बर आहे त इहो सच न आहे, इहो डिसबिलीफ आहे, पर तव्हां पंहिंजो पाण खे उहा डिसबिलीफ सस्पेंड करे तव्हां उनखे सच सम्झी उनजो हिसो बणिजो था।
इन खे सॾिबो आहे छा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। त कॉलेज चए थो त पोइट्री ईअं हुजे जो माण्हू खे ख़बर बि पए त हीउ कूड़ आहे, हीउ सच न आहे, पर अहिड़े अंदाज़ में चई वञे जो माण्हू हुनखे सच सम्झनि, थोरी देरि लाइ हुनखे सच सम्झनि। तूं आसमान जी परी आहे, राति जो रोज़ तारनि सां गॾु सफ़र कंदी आहे, ख़बर आहे छोरी घर खां ॿाहिरि निकिरी न सघंदी, आसमान तारनि सां गॾु सफ़र कंदी आहे। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आहे, असांखे यकीन आहे शायदि हिते त वाकई ईअं थींदो हूंदो ऐं वरी असां तारनि हुनखे ॻोल्हींदा बि आहियूं, आहे न। इहो पोइट्री जो कमाल कंहिं चयो, इहो कॉलेज चयो त अहिड़े क़िस्म जी पोइट्री हुजणु खपे, ठीकु आहे साईं। रोमांटिक पोइट्री ॿी ॻाल्हि, एम्फेसिस ऑन इमोशन हूंदो एंड पर्सनल एक्सप्रेशन्स हूंदो, ठीकु आहे। होॾे छा हुयो, हुन ते जेको एम्फेसिस जो स्ट्रक्चर थियो, फॉर्म थियो, रीज़न थियो, हिते एम्फेसिस छा आहे, इमोशन ते हूंदो, पर्सनल एक्सप्रेशन ते हूंदो, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर ते हूंदो एंड सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस ते हूंदो, रिजेक्शन ऑफ फॉर्मल पोइट्रिक स्ट्रक्चर हूंदो। फॉर्मल पोइट्रिक स्ट्रक्चर न हूंदा, वेन देर आर नो फॉर्मल पोइट्रिक स्ट्रक्चर त पोइ छा थींदी, देर विल बी एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स थींदा, छा थींदा, एक्सपेरिमेंट थींदा। शायर कॾहिं पंज सुठो लिखंदो, कॾहिं चो सुठो लिखंदो, कॾहिं ॿ लाइनूं लिखंदो, कॾहिं शेर जी स्ट्रक्चर चेंज करे छॾींदो, कॾहिं रैमिंग में लिखंदो, कॾहिं विदाउट रैमिंग में लिखंदो, कॾहिं नसरी नज़म लिखंदो, कॾहिं आज़ादु नज़म लिखंदो, कॾहिं हाइको लिखंदो, कॾहिं मुख़्तलिफ़ फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिखंदो, कंहिं हिकिड़े पर्टिकुलर एरिया या कंहिं पर्टिकुलर फील्ड में न लिखंदो। उन खां अलावा एक्सप्लोरेशन ऑफ द सुपर नेचुरल, इमेजिनेशन एंड सबलाइन। शायरी रोमांटिक पोइट्री जो मक़सदु कतन ई न आहे त रोमांटिक पोइट्री जी शायरी वाहियात हूंदी, वल्गर हूंदी, लो क्लास हूंदी, लो कैटेगरी हूंदी, हूंदी सबलाइन, हूंदी कमाल जी, ठीकु आहे न। तोखां भलो आहे नलको, इहो जेको आहे न, इहा रोमांटिक पोइट्री आहे, इहा पोइट्री आहे, इहो वरी कहिड़ो कारो मां वटां, ठीकु आहे, इहा बि पोइट्री आहे, वरी कहिड़े कैटेगरी में थी अचे, इहा न क्लासिकल आहे, न इहा रोमांटिक। हाणे जे तूं पोइट्री वठो किसो मॉडर्न पोइट्री, ऐं इहो क्लियर कंदो न त इहो तोखां भलो नलको मॉडर्न पोइट्री बि कान्हे, हिन जो नालो ई सवा ॿियो आहे, ठीकु आहे। उहो मां पंहिंजे बी एस वन जे क्लास वारनि खे पढ़ायां, कहिड़े क़िस्म जी पोइट्री आहे, चए थो त मॉडर्न पोइट्री हाणे वरी छा आहे, हाणे ॿ पोइट्री जा क़िस्म तव्हां सम्झा, क्लियर थी विया, क्लासिकल बि थी वियो ऐं रोमांटिक बि थी वियो, हाणे मॉडर्न पोइट्री। ॾुखे में ॾुखी अथव मॉडर्न पोइट्री सम्झणु बाबा, छाकाणि त क्लासिकल त तव्हां पढ़ी आया आहियो, क्लासिकल पोइट्री में मॉडर्न पोइट्री बि तव्हां पढ़ी आया आहियो, सॉरी रोमांटिक पोइट्री बि तव्हां पढ़ी आया आहियो। मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री इनकम्पासिस अ डाइवर्स रेंज ऑफ पोइट्रिक मूवमेंट्स दैट इमर्ज इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। इंसानी ज़िंदगी जेका 19th एंड 20th सेंचुरी में तब्दील थी न, हेॾां पोयां हज़ार सालनि में इंसानी ज़िंदगी जी तब्दील न थी, जॾहिं हिन ॿिनि सदियुनि में तब्दील थी, वरी इंसानी ज़िंदगी जेका ॿिनि सदियुनि में तब्दील थी, कुझु तब्दील न थी जेका हिननि 20 सालनि में तब्दील थी आहे। इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में रखी छॾियो बाबा, 2000 खां पोइ 2024 ताईं जेका तब्दीली आई आहे न लाइफ में, इहा 19th एंड 20th सेंचुरी खे मिलाए करे बि तब्दीली न आई। वरी जेका 19th एंड 20th सेंचुरी में तब्दीली आई न, उहा ग्रीक इरा खां वठी माना 400 क़ब्ल मसीह खां वठी करे 18 सदी ताईं इंसानी ज़िंदगी एॾी तरक़ी, एॾी तब्दीलियूं न ॾिठियूं, पर 19 सदी 20 सदी तब्दीली सदी। वरी जेका इहे 21 सदी जा अञा 24 साल गुज़रिया आहिनि, इहे उन्हनि ॿिनि सदियुनि ते भारी आहिनि। ऐं वरी टीं स्टेटमेंट ॾेई छॾियांव त बाक़ी ईंदड़ 10 साल 15 साल वरी इंसानी तारीख़ जे सभिनी दौरनि खां डिफरेंट दौर। दुनिया अहिड़ी तेज़ी सां तरक़ी करे थी, एंड वन थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट लिटरेचर चेंजिस विद दैट वेज़ ऑफ लिविंग।
जेकॾहिं वक़्त जे हालात सां गॾु इंसानी ज़िंदगी तब्दील थींदी त लिटरेचर बि तब्दील थींदो। अच्छा, ॿी ॻाल्हि बि आहे, वाइस वर्सा बि आहे, ऐं लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी खे बि तब्दील कंदो। लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी सां तब्दील थींदो ऐं लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी खे बि तब्दील कंदो आहे। इहा वरी अलॻि डिस्कशन इनशाला पाण कंहिं महिल कंहिं महिल कंदासीं। त 19th ऐं 20th सेंचुरी में असां ॾिसंदासीं, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू नो दैट देयर वर राइज़िंग मूवमेंट्स, कुझु मूवमेंट्स हुयूं, नयूं नयूं मूवमेंट्स आहियूं। मिसाल जी ॻाल्हि, मॉडर्निज़म अची वई नईं। मॉडर्निज़म छा आहे? मॉडर्निज़म लिटरेचर में उहा शइ जेका ट्रेडिशनल मोड खां हटी करे हुजे, माना आम रिवाजी जेको लिटरेचर लिखिबो हो न क्लासिकल दौर में, रोमेंटिक दौर में, उनखां हटी करे जेका बि शइ हुजे लिटरेचर में, उनखे छा चइबो? मॉडर्न लिटरेचर। इन ते पाण हिकिड़ो अलॻि माना सेशन कंदासीं, तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न दौर में छा थियो? इंसान सफ़ा बेवस थी वियो, लाचार थी वियो। इंसान जो मां वॾी तरक़ी कई आहे, उहा तरक़ी कई न 20th सेंचुरी वारे इंसान वॾी तरक़ी कई न बाबा, जहाज़ ठाहीं, टैंक ठाहीं, बम ठाहीं, वॾा वॾा हथियार ठाहीं, वॾियूं साइंटिफिक इन्वेंशन्स कयईं, साइंस टेक्नोलॉजी में तरक़ी कई, केमिस्ट्री में तरक़ी कई, फिज़िक्स में तरक़ी कई, हर शइ में तरक़ी कई न। हाणे त इंसान सुधरियल हुजे आहे न, हाणे त ज़िंदगी आसान हुजे आहे न, पर 20th सेंचुरी ज़िंदगी आसान न आहे। 20th सेंचुरी ॾिठो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जीअं ई 20th सेंचुरी शुरूआत थी, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 लॻी वई, 1919 में ख़तमु थी, वरी इंसान गॾु थिया, सभिनी इंसान गॾिजी सॼी मुआदो कयो, ठीकु आहे, लीग ऑफ नेशन ठाही हुयूं, यूनाइटेड नेशन जी मुआदो नओं अथव लीग ऑफ नेशन, पहिरियां लीग ऑफ नेशन ठही जेका फेल थी वई। लीग ऑफ नेशन में पीपल डिसाइडेड एंड डिटरमिन्ड दैट देयर विल बी नो फ्यूचर वॉर न लॻंदी। छोके खणी 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू थी वियो, ठीकु आहे न, 20 सालनि जे वक़्फ़े खां, 30 सालनि वक़्फ़े खां पोइ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू थी वई। उन तबाहियूं कयूं, लखे करोड़ इंसान मरी विया। बम जो लॻो त बम पुछा कंदो आहे, तूं शरीफ़ आहे, तूं गुंडो आहे, तूं पाकिस्तानी आहे, तूं मुस्लमान आहे, तूं हिंदू आहे, पोइ सभिनी बीमारी में इंसानु परेशान थी वियो। ऐं तव्हांखे चयूं त इंसानु परेशान थींदो त लिटरेचर में परेशान थींदो, पोइ नयूं मूवमेंट्स हुजणो। एग्ज़िस्टेंशियलिज़म जी हिकिड़ी नई मूवमेंट आई, एग्ज़िस्टेंस छा आहे इंसान जी, अरे छा आहे, पाण जीवन कीअं था, पाण रहूं छो था, पाण पैदा छा लाइ थिया आहियूं, पंहिंजो कमु कहिड़ो आहे, एग्ज़िस्टेंस ते सुवालु थियणु लॻा, लिटरेचर में एग्ज़िस्टेंस अचणु लॻो। एब्ज़र्डिटी आई, एब्ज़र्ड क्वेश्चन्स, और दुनिया बेकार आहे, दुनिया फज़ूल आहे, दुनिया जो को मक़सदु ई कोन्हे को, बसि ईअं ॼावा आहियूं, ईअं मरी वेंदासीं, त लिटरेचर बि अहिड़ो अचणु लॻो। सिम्बलिज़म आई, राइटरनि चयो त सिधी सिधी ॻाल्हि कंदो त मुछड़ा खाईंदो, वॾा वॾा ज़ाल मुकमला थी विया आहिनि, ॻाल्हियुनि खे ढके छुपे कयो, सिम्बल्स यूज़ कयो, छा यूज़ कयो? सिम्बल्स यूज़ कयो। सिम्बलिज़म जी मूवमेंट आई त मॉडर्न पोएट्री में वरी उहो इनकॉर्पोरेटो, हिकिड़नि राइटरनि चयो न सिम्बलिज़म यूज़ न कयो, सिम्बलिज़म माण्हू सम्झंदा आहिनि, इमेजिज़म यूज़ कयो, इमेजिस पोएट्री, हिकिड़ी नई नओं ट्रेंड आयो पोएट्री में। त इहे नयूं नयूं मूवमेंट्स जीअं जीअं अचणु लॻियूं त मॉडर्न पोएट्री बि ईअं माना नवां नवां रुख वठणु लॻी। तंहिंजे करे मॉडर्न पोएट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उन जा कंप्लेक्स एंड डाइवर्स थीम्स आहिनि। मॉडर्न पोएट्री छा करे रिफ्लेक्ट कंदी आहे? इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हाणे तब्दील थियणु लॻी आहे, दुनिया सोशली बि तब्दील थियणु लॻी आहे, कल्चरली बि तब्दील थियणु लॻी आहे, टेक्नोलॉजी बि तब्दील थियणु लॻी आहे। पर मूंखे लॻी आहे न चवणु खपे, लॻी हुई चवणु खपे, छाकाणि त मॉडर्निज़म जो दौरु ख़तमु थी वियो, हाणे दुनिया मॉडर्निज़म खां अॻिते वई आहे। हींअर पाण जंहिं में रहूं था न, उहो माशूक शहर जो ज़मानो आहे, जेके असां पोस्ट मॉडर्न, ठीकु आहे। त
इहे सभु शयूं आहियूं त मॉडर्न पोएट्री में इहे सभु आस्पेक्ट रिफ्लेक्ट थियणु लॻा. मॉडर्न पोएट्स ऑफन एक्सपेरिमेंटेड विथ फॉर्म्स. क्लास रोमेंटिक्स फॉर्म खे एक्सपेरिमेंट कयो पर मॉडर्न्स उन खां बि हिकु क़दम अॻिते विया. लैंग्वेज खे एक्सपेरिमेंट करणु लॻा. अॻे अंग्रेज़ रुगी अंग्रेज़ी इस्तेमालु कंदा, हाणे अंग्रेज़ी में सिंधी बि अचणु लॻी, उर्दू बि अचणु लॻी, अंग्रेज़ी में हिंदी बि अचणु लॻी. हर माण्हू मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो ज़बानूं इस्तेमालु करणु लॻो. लैंग्वेजूं वधणु लॻियूं, इंटरकनेक्टेडनेस पैदा थी वई. तव्हांजो वेस्टलैंड द बेस्ट एग्ज़ाम्पल आहे मॉडर्न पोएट्री. हुनजो आख़िरी लफ़्ज़ कहिड़ो आहे? वेस्टलैंड छा ते ख़तमु थींदो आहे? शांती शांती शांती. हाणे अंग्रेज़नि खे कहिड़ी ख़बर शांती छा आहे, पर टी एस सिलेट पंहिंजो पोएम ख़तमु छा ते कयो? इहो एम सी क्यू में सुवालु ईंदो अथव बाबा टी एस सिलेट जो, त वेस्टलैंड छा ते ख़तमु थींदो आहे? शांती शांती ते ख़तमु थींदो आहे. ठीकु आहे, त माना अहिड़े क़िस्म जा लैंग्वेज में बि एक्सपेरिमेंट थियणु लॻा. सब्जेक्ट मैटर चेंज थियणु लॻो, जंहिंमें ट्रेडिशनल पोएट्री कन्वेंशन्स ख़तमु थी विया. नवां नवां शइ नयूं नयूं शयूं अची वियूं, नयूं नयूं ॻाल्हियूं अची वियूं. उहे ॻाल्हियूं जेके राइटर्स पहिरियां राइटिंग में न कंदा हुआ, उहे ॻाल्हियूं पोएट्री में अचणु लॻियूं. अॻे राइटर कॾहिं बि खुली करे सेक्स ते न ॻाल्हाईंदा हुआ, ढकी छुपी ॻाल्हियूं हूंदियूं. लिटरेचर सॼो हूंदो हुन जे पोयां हो, पर केर बि राइटर लफ़्ज़ सेक्स इस्तेमालु न कंदो हो. मॉडर्न राइटर खुलेआम सरेआम चवणु लॻा बाबा. ठीकु आहे, पंहिंजे राइटिंग में, पंहिंजे नॉवेल्स में, पंहिंजे स्टोरीज़ में, पंहिंजी पोएट्री में, इहे सभु शयूं खुलेआम चवणु लॻा. सो हिकिड़ी हिकिड़े मौक़े ते त एक्सपेरिमेंटेशन थियणु लॻी इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. फ्री वर्स थियणु लॻी, आज़ादु शायरी था कयूं साईं. हूअ वञे पई, मां पोयां वञांसि पियो, हूअ खिले पई, मां बि खिलांसि पियो. पोइ हूअ वञी कैंटीन ते वेही रही, मां चांहि जो कोप घुरायो. शायरी ख़तमु. यादि छा आहे साईं? आज़ादु छा आहे? आज़ादु शायरी तव्हां रोज़ कंदा आहियो हा न? वरी साईं चऊं त न, आज़ादु शायरी में ईअं नथा कयूं. फ्री वर्स नथा खणी अचूं, ॿी शायरी था खणी अचूं. आज़ादु नज़म था लिखूं. ठीकु आहे, माना हाणे आज़ादु न. मॉडर्न पोएट्री जी ख़ासि ॻाल्हि कहिड़ी? आज़ादी. लफ़्ज़नि जी बि आज़ादी, लिखण जी बि आज़ादी, फॉर्म जी बि आज़ादी, ऐं ख़्याल जी बि आज़ादी. हर शइ जी तव्हांखे आज़ादी आहे. ठीकु आहे, उन खां पोइ एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. मॉडर्न दौर जी निशानी आहे त पाण वटि अर्बनाइजेशन थी, माण्हू बैराड़ी मां शहर में अचणु लॻा. ठीकु आहे, शहर आबाद थियणु लॻा, वॾा वॾा शहर थियणु लॻा. शहर जो लाइफ स्टाइल हूअं डिफरेंट हूंदो आहे बैराड़ी जे लाइफ स्टाइल खां. त माण्हू शहर जा थीम करणु लॻा. शायरी में टी वी अचणु लॻी, शायरी में बल्ब अचणु लॻो, शायरी में राड अचणु लॻी, शायरी में हीटर अचणु लॻो, शायरी में कारूं अचणु लॻियूं, शायरी में जहाज अचणु लॻा. हा साईं, नलको अचणु लॻो. इहो वरी थोरो ख़राबु आहे सम्झ. अञा को कुझु ॿियो चयो आहे त पोइ चऊं ॿुधायांव न. पोस्ट मॉडर्न आहे, वरी पोस्ट मॉडर्न वरी अलॻि पढ़ंदासीं. ठीकु आहे, पोइ साईं एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड सब्जेक्टिविटी. बाबा मां शायरी कयां थो, उन सां तूं बदल न आहीं, तोखे नथी वणे? मुंहिंजो ख़्यालु आहे. छा आहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे? तोखे वणे या न वणे, शायर उहा शायरी करणु लॻो जेका वॉज़ वेरी मच सब्जेक्टिव टू द पोएट. इन ते अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं अचणु लॻियूं. अॻे महबूबा ते शायरी थींदी हुई, हाणे महबूबनि ते शायरी थियणु. इहा वॾे में वॾी डेवलपमेंट अचणु लॻी. अच्छा, पुराणे ज़माने में क्लासिकल पोएट्री में बि शायर ईअं कंदा, पर इहो वरी इस्लामिक ऐं ईरानियन पोएट्री जो कॉन्सेप्ट हूंदो. पर्शियन पोएट्री में वेंदो न, पर्शियन पोएट्री में
छोकरी ते शायरी न कबी आ कहंदे कबी आ छोकरे ते शायरी कबी आ छोकरे के सामू रखी करे उने के पने महबूब करे पेश कबो आ पर यो असन जो वरी ईस्टर्न वालो चक्कर अलग आ थोरो एडा होना है यो उने तेरी पार बे दे फिक्र गलाईदा दी इने एमसीक्यू नहीं दो तने के तो ये माना एमसीक्यू जरा तो पूछे ठीक है emphasis on individual perspective subjectivity departure from strict rhyme and meter ye sab khatam chal laga themes of alienation existentialism and the fragmented nature of poetry they are the important aspects of kadi poetry modern poetry theek hai differences ma ta ke budhaya classical poetry adheres to strict forms holistic form mein classical poetry hundi romantic poetry rejects forms romantic poetry mein forms reject thinda and modern poetry mein एक्सपेरिमेंटेशन थी फॉर्म की नवा नवा फॉर्म इन्वेंट थी फर्क समझ में क्लासिकल पोएट्री विल फॉलो प्रॉपर फॉर्म रोमांटिक पोएट्री विल रिजेक्ट फॉर्म एंड मॉडर्न पोएट्री विल एक्सपेरिमेंट ऑन न्यू फॉर्म्स नवा नवा फॉर्म से कहती एक्सपेरिमेंट मां बुझा तो मां शायरी ठाई नौ ट्रेंड ठा मां ठाई शायरी इंग्लिश में पोएट्री कह मटे ढी शौक हों अंग्रेजी में पोएट्री समझ में नहीं मांग वो ठेम मां शायरी ठाई ॾहनि सिटुनि जो पोयम घणनि सिटुनि जो ॾहनि सिटुनि जो पोयम पहिरीं सिट हिकु लफ़्ज़ जी ॿी सिट ॿिनि लफ़्ज़नि जी टी सिट टिनि लफ़्ज़नि जी चोथीं सिट छह लफ़्ज़नि जी पंजी सिट पंज लफ़्ज़नि जी छहीं सिट छह लफ़्ज़नि जी सतीं सत लफ़्ज़नि जी अठी अठ लफ़्ज़नि जी नई सिट नव लफ़्ज़नि जी ॾहीं सिट ॾह लफ़्ज़नि जी शहर पूरो कॾहिं बि कंहिं बि उहो एक्सपेरिमेंट न कयो खोटी ठीकु आहे आई पहिरीं सिट साहर ॿी सिट standing with friends three sitter she was smiling beautifully char lafz chauthi sitter ade tarike ma ek form experiment karno nawa nawa dekhe se form khani jan garib bar aya tane ke manu follow na kanda na to ma wadu na nare wala asa wat khepur me ekdo amar ikbal unne ekdi nayi mana sin phatai jenge indalet sadi unne naam chha rakhi indalet इंडलट में चाहो तो तुम का भी शायरी कौ आखिर में कें भी सिंध के मशहूर शायर की एक सिट से शेर खत्म कर समझना ही शेर ठाइंद उन शेर जो खात्मो कैसा कौ मशहूर शायर के एक सिट से शेर के माना खत्म ठीक है मिसाली गाल सो शेर चई 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 आखिर में कौ हर शख्स कहानी दुख इंडलट ठीक तुम भी ठाई सको हलो सही क्लासिकल पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ हीरोइज्म मिथोलॉजी एंड मोरल वैल्यूज हाँ यह वही इंपॉर्टेंट गाल क्लासिकल पोएट्री में तक हीरोइज्म मिली मोरल वैल्यूज मिलता मिलो मिथोलॉजी मिली रोमांटिक पोएट्री में इमोशंस मिलता नेचर मिली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मिलो हीरोइज्म न मिली तक मोरल वर्चूज न मिलता रोमांटिक्स मोरल वर्चूज से बदल कोन तो मानू के सुधार जे सेखार जे मानू जो सो इखलाकियात सीखन मानू पंजा मोरल वैल्यूज भला कन यो रोमांटिक्स ठीको न कयो मॉडर्न पोएट्री छा कंदी उहा वरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ के जे में अर्बनाइजेशन थी वई टेक्नोलॉजी थी वई इंडिविजुअल एलिनेशन थी वई मानू जा दर्द अकेला सो भी टेक्नोलॉजी जे करे जेके दर्द आहिनि खास तौर से तुम मोबाइल अचने का पोता दर्द वधी विया इन बारे में गलाइंदी इन बारे में फोकस कर शायरी कर क्लासिकल पोएट्री में व्यू नेचर इज अ बैकड्रॉप ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स क्लासिकल पोएट्री में भी नेचर होंगी पर फोकस मानू से होंगे नेचर बैकग्राउंड में होंगी
ठीकु आहे न। मिसाली ॻाल्हि ॻाल्हि हीरो जी हूंदी, पोइ हीरो जंग में वेंदो त वणनि टिणनि जो ज़िक्र बि हूंदो, पर उहो साइड में हूंदो। रोमांटिक पोएट्री ॻाल्हि ई नेचर जी कंदी, माण्हू ते फोकस साइड में कंदी, पर फोकस छा ते कंदी? नेचर ते कंदी, वणनि ते, टिणनि ते, सिज ते, चंड ते, तारनि ते, ज़मीन ते, आसमान ते, रंगनि ते, रंगो ते, इन्हनि ते फोकस कंदी, ठीकु आहे। ऐं मॉडर्न पोएट्री वरी छा कंदी? उहा वरी नेचर खे ॾुखियो करे, कॉम्प्लेक्स करे, इंसान जेको आहे दुश्मन पेश करे, ख़तरनाक पेश करे, सीरियस पेश करे, जेको आहे सो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जे कॉन्टेक्स्ट में पेश कंदी, पोइ उन ते लेमेंट बि कंदी, उन ते अफ़सोस बि कंदी। मॉडर्न पोएट्री जी इहा ॻाल्हि बि आहे, उहा नेचर जी डिस्ट्रक्शन ते अफ़सोस बि कंदी आहे, छाकाणि त अर्बनाइज़ेशन अची वई त नेचर छा थी वई? डिस्ट्रॉय थी वई। वण ॿूटा जंगल जंग सभु तबाह थी विया, ख़तमु थी विया बिकॉज ऑफ अर्बनाइज़ेशन, ठीकु आहे। क्लासिकल पोएट्री ऑफन एम्ब्रेसिस एस्टेब्लिश्ड लिटररी ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, हू एस्टेब्लिश्ड लिटररी ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस खे फॉलो कंदी, माना लिटरेचर जा जेके उसूल आहिनि उन्हनि खे क्लासिकल पोएट्री प्रॉपर तरीक़े सां छा कंदी? फॉलो कंदी। रोमांटिक पोएट्री उन मां पाण खे आज़ादु कंदी, उनखे फॉलो न कंदी, उनजे ख़िलाफ़ु वेंदी। उहो चवनि रोमांटिक पोएट्री आई हिन जे लाइ। अॻिते ॿी ॻाल्हि ॿुधो, छो रोमांटिक पोएट्री जो दौर आयो? रोमांटिक पोएट्री खां अॻियो दौरु कहिड़ो आहे? पहिरियों वारो दौरु कहिड़ो आहे? राइटर हुया जंहिंमें अलेक्ज़ेंडर पोप हुयो, इन्हनि गॾिजी सॼी करे पुराणे क्लासिकल अंदाज़ खे नए तरीक़े सां पेश करण जी कोशिशि कई। हाणे तव्हां बोतल पुराणी खणी उनमें शराब न मिलाए ॾियो त उहो मज़ो त न ईंदो न बाबा। तव्हां पेप्सी वारी बोतल में रूह अफ़ज़ा शरबत करे ॾियो त पेप्सी जो मज़ो न ईंदो न बाबा। माण्हुनि खे ठगी कंदो त इहा पेप्सी आहे, पर आहे त रूह अफ़ज़ा शरबत न मुंहिंजा सुहिणा। पोइ हुननि चयो, यार हे त न्यू क्लासिज़म छा आहे? हरुभरु चवनि था त माना सीरियसनेस हुजे, हरुभरु था चवनि त माना रहमिंग हुजे, हरुभरु था चवनि त हिन खां ॿाहिरि न वञो। पोइ उनजे ख़िलाफ़ु रिवोल्ट आयो, एम सी क्यूस ठहंदो त रोमेंटिसिज़म वॉज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट वॉट? क्लासिसिज़म, न्यू क्लासिसिज़म ऐं साईं मॉडर्न पीरियड ऐं फलाणो। मॉडर्न खे त प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में टक करे ख़तमु करे छॾींदो, छाकाणि त मॉडर्निज़म रोमेंटिसिज़म खां पोइ आयो, इहो निकिरी वियो। बाक़ी बचा ऑप्शन ॿ, न्यू क्लासिसिज़म एंड क्लासिसिज़म। हाणे इन ते डाउट थींदो, धुको वेहण हूंदो, 50% चांस थींदा त सही थी सघे, ठीकु आहे न बाबा? हलो, ऐं मॉडर्न पोएट्री छा कंदी? मॉडर्न पोएट्री कंटिन्यू द रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन। मॉडर्न त आहे ट्रेडिशन जे ख़िलाफ़, एम्प्रेसिंग स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, हुनमें जिदत ईंदी, नवाण ईंदी, नवां तजुर्बा ईंदा। छाकाणि त तव्हांखे ॿुधायमि त मॉडर्न लिटरेचर जी ख़ासि ॻाल्हि छा आहे? स्टाइल में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में इनोवेशन आणियूं, नवां नवां तरीक़ा पेश करणा आहिनि, एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऐं हुनमें एक्सपेरिमेंट थींदा, हुनमें तजुर्बा थींदा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल पोएट्री, रोमेंटिक पोएट्री एंड मॉडर्न पोएट्री। क्लासिकल पोएट्री जा मिसाल तव्हांखे मां ॾेई छॾिया, होमर आहे, वर्जल आहे, मिल्टन आहे, चासर आहे, स्पेंसर आहे। रोमेंटिक पोएट्री जूं असां वटि टे जनरेशन्स आहिनि मशहूरु। फस्ट जनरेशन में तव्हांजो वर्ड्सवर्थ आहे, तव्हांजो कॉलेज आहे, तव्हांजो सऊदी आहे। उनखां अलावा सेकेंड जनरेशन में तव्हांजो कीट्स आहे, तव्हांजो शेले आहे, तव्हांजो बैरन आहे। वरी थर्ड जनरेशन में बि तव्हांजा राइटर आहिनि, ली हंट आहे तव्हांजो, सम्झा, ऐं ॿिया कुझु राइटर आहिनि।
ऐं मॉडर्न पोएट्री जा तव्हां वटि वॾा मिसाल कहिड़ा आहिनि, तव्हां वटि टी एस इलियट आहे, तव्हां वटि इज़रा पाउंड आहे, तव्हां वटि फिलिप लार्कन आहे, ठीकु आहे, उन खां अलावा अमेरिकन राइटर्स बि आहिनि, सो आई एम श्योर घणी बिरयानी खाइण सां बि बदलनी थींदी आहे, त हिन करे अॼोके ॾींहं जे लाइ उहो काफ़ी आहे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स यू आर वेलकम, अदरवाइज़ वी आर गोइंग टू क्लोज़ आवर सेशन. सॉल्व आहे, थैंक यू वेरी मच. भला आहियो, सुवाल न पुछा कंदा क्लास में, न पुछा कंदा. सर, सुवाल इहो हुयो त तव्हां जेको चयो त